हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज 1 जनवरी की सुबह है, सुबह के 6 बजे हैं और आप ये देख सकते हैं भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ की रोड जो है, पुणे से आने वाली विजय स्तंभ, आप इस रोड को देख सकते हैं। यहाँ पर इस रोड को अभी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है रात से ही। और आप मेरे पीछे में इधर देखेंगे तो भीमा नदी है इस ओर, और मैं आपको भीमा नदी लेके जा रहा हूँ जहाँ पर काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ है। वहाँ पर जिस नदी को देखने जा रहे हैं, उस नदी का अलग ही इतिहास है और उस इतिहास को मैं फिर से यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि क्या है करके। तो जो उसी को देखने यहाँ पर पब्लिक गई हुई है, तो अभी हम आपको भी लेकर चलते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, भीम अनुयायी इस भीमा नदी को देखने के लिए गए थे वहाँ पर, और उधर में आप देख सकते हैं काफ़ी लाखों की संख्या में भीड़ है। और ये आते हुए आप देख सकते हैं भीम अनुयायी। और आप देख सकते हैं इस नदी के जो नदी के ऊपर से जो ब्रिज गया है, उस ब्रिज के ऊपर में ये जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स को भी फूलों से सजाया गया है। और इस नदी को भी यहाँ पर में शौर्य दिन के ऊपर में यहाँ पर नदी को भी मानवंदना दी गई है। यही वो नदी है दोस्तों, यहाँ साक्षीदार इस इतिहास की गवाह है कि इस नदी के ऊपर में भीमा कोरेगांव, भीमा नदी के ऊपर में जो युद्ध लड़ा गया था, उसकी यह गवाह है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इस नदी को भी फूलों से सजाया है ब्रिज को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भीमा अनुयायी और ये जाते हुए लोग देख सकते हैं। और इधर में आप पुलिया के ऊपर में भी देख सकते हैं, इधर में देख सकते हैं ये जत्थे में जा रहे हैं, इधर में ही आ रहे हैं वो लोग। और इस नदी को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं लोग कि इस नदी का इतिहास वास्तव में क्या है, उसको समझने के लिए आ रहे हैं और सब जानना चाहते हैं। यहाँ के हमारे जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो अंधकार में नहीं रहते हैं कि बताए हुए मार्ग को पहचानते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तभी भी उसको फॉलो करते हैं। तो ये लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर में भी, और ये भीमा नदी देख सकते हैं। दोनों साइड की जो रोड है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और ये लोग देख रहे होंगे जाते हुए ये लोग। एक्सक्यूज मी, आप लोग इधर क्यों आए थे? आप लोग इधर पता नहीं है, मान वंदना देने के लिए हम आया है। कहाँ से आप? हम औरंगाबाद से। आपका नाम सर? बाबा सरगुरु सिंह, वंचित भोजनागढ़ी तालुका महासचिव। थैंक यू। इस नदी का भी इतिहास है सर, जैसे आप देख सकते हैं इस नदी के जो ब्रिज को है वो फूलों से सजाया है, तो इस नदी का भी इतिहास है, उसके बारे में आप बता पाएंगे? नहीं, कितनी जानकारी, लेकिन ये भीमा नदी है, इसके और एक युद्ध हुआ था, इतना ही गवाह है इसकी ये गवाह है। जी हाँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों भीड़, आप देख सकते हैं भीमा अनुयायी की भीड़। और ये नदी देख सकते हैं दोस्तों, भीमा नदी। और ठंड की वजह से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ब्लरी वीडियो दिख रहा है। और इधर में आप देखेंगे तो विजय स्तंभ दिखाई देता है हमको। और दोस्तों आप देख सकते हैं भीमा नदी को देख सकते हैं दोस्तों, ये बीच में से, और पानी देख सकते हैं कितना काला पानी दिखाई दे रहा है यहाँ से। और इस रोड को डिवाइड करके बनाया गया है इस नदी के ऊपर में, एक जो है वो उधर से जाने वाला रोड है और ये इधर से आने वाला रोड है, आप देख सकते हैं।
इस तरह से रोड आए और ये भीमा नदी रही दोस्तों। यही वो नदी है जो दोस्तों जहाँ पर यहाँ इस ओर विजय स्तंभ के पीछे की ओर जो है इस वाले भाग में नदी के ऊपर में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। और इस ब्रिज को फूलों से इसलिए सजाया गया है कि इस नदी का भी योगदान है। इस नदी के साथ में पूरे इस एरिया को विजय और जो विजय स्तंभ है यहाँ पर मान वंदना दी गई है। और ये इतनी पवित्र जगह है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये जो ब्लरी दिखाई दे रहा है ये कोहरे की वजह से दिखाई दे रहा है सुबह के समय में। और ये रहा विजय स्तंभ। और आप देख सकते हैं दोस्तों कंटिन्यू आ रहे हैं विजय स्तंभ की ओर लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और सामने में विजय स्तंभ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और लाखों की संख्या में इस विजय स्तंभ में भीम अनुयायी आए हुए हैं दोस्तों। हमारा समुदाय देख सकते हैं भारी संख्या में है। और इस दिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है इस विजय स्तंभ के बारे में, हर साल यहाँ पर भीड़ बढ़ते हुए जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हेलो, काफी भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। आराम से आएगा। देख सकते हैं दोस्तों सफेद गाड़ी में कोई तो भी आए हैं, आप देख सकते हैं इन गाड़ियों में। उस ओर जा रहे हैं आप देख सकते हैं। एक्सक्यूज मी मग नंतर काढा फोटो। तुम्ही कुठे चालले? भीमा कोरेगाव विजय स्तंभ चालले। विजय स्तंभ कशा करिता बनलेला आहे लवकर लवकर सांगा। तुम्ही इथे कशाला चालले? नुसते पाहायला चालले? सलामी द्यायला चालले? तर हा स्तंभ कोणाकरिता उभारला गेलेला होता? 500 सुरवीर, 500 सुरवीर मार, बरोबर आहे। आमचेच बापा आहेत ते आणि आम्ही त्यांचे माणसं आहोत। नाही, जय भीम जय भीम जय भीम। देख सकते हो दोस्तों भीम अनुयायी विजय स्तंभ की ओर जा रहे हैं मान वंदना देने के लिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर में बोट के ऊपर में ये सुरक्षा गार्ड देख सकते हैं दोस्तों, ये कंटिन्यू यहाँ पर घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसको बचाने के लिए ये दो देख सकते हो कंटिन्यू घूम रहे हैं यहाँ पर। और आप सूरज को देख सकते हैं, अभी वो ऑरेंज कलर का है लेकिन इस ठंड की वजह से वाइट दिखाई दे रहा है, ब्लरी दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी 7 बजने जा रहे हैं सुबह के।
और ये नदी देख सकते हैं, भीमा नदी है। और ये नदी पवित्र नदी है दोस्तों, हम इसको पवित्र नदी कहेंगे। और आप देख सकते हैं भीमा अनुयायी लाखों में आए हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं नीलाध्वज। अशोक चक्र के साथ में ध्वज देख सकते हैं। तो दोस्तों हम हमारा समाज देख सकते हैं कि वो जागरूक है और इस इतिहास को यादगार रखने के लिए और याद करके ही यहाँ पर विजय स्तंभ को सलामी देने के लिए, मान वंदना देने के लिए आता है। मैं सभी से अगर पूछने जाओ तो वो सभी लोग यही जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और वीडियो की अपडेट्स के लिए, नए नए वीडियो आने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को होल्ड कीजिएगा।